हाँ जी, लोक अधिकार लै रहे उन्होंने अहुदेदार खड़े सड़े ने। व्यापार उद्योग महासंघ, उद्योग महासंघ वो इतने आएंगे सारे हाजिर होके सपोर्ट। दोबारा करिए जी, दोबारा कर। अज असी यूनाइटेड अकाली दल वालों लोक अधिकार लहर उद्योग व्यापार महासंघ वालों संगरूर हल्के के संबंध के सरदार सिमरजीत सिंह मान उन्हां दी डट के हिमायत करन लई आए। कली हलाकी हिमायत नहीं, पूरा समा ला के असी लोगों प्रेरण लिए यतन करा। ये दो बेनतियां तुहाडे राही मैं पंजाब दे ते खास करके संगरूर दे लोगों करनिया चाहुंदे आ। बहुत लोगों के जथेबंदियों के विचारधारक जथेबंदियों के वखरेवे हो सकते, मान साहब ना भी हो सकते, पर अज जिहड़े उम्मीदवार जिहड़ा मुद्दा है वह हैगा मुख तौर पर रिहाइया का। तो सरदार सुखबीर सिंह बादल वह मनुख आ जिन्हें रिहाइया के उत्ते बैठे तो गोलियां चलाईया, तो उन्होंने तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ, उन्होंने गिरफ़्तार प्रकाश सिंह बादल तो दोहानू गिरफ़्तार होना चाहिए। ये कोई बहाना नहीं गया कि वह बजुर्ग हो गया जी, उसकी उम्र इन्नी होगी, कोई बंदा मार के मरन तो उपरंत भी मुकदमे चल सकते हैं, उन्होंने कोई अधिकार नहीं। और रिकॉर्ड एक गल है कि जदों उन्हें सरकार सी आ सरदार जसकरन सिंह होरी, सरदार मान साहब, ईशू साहब, राहों साहब, साड़ी समुची जथेबंदी सरबजीत सिंह लाल, अच्छा सिंह, सारे सीनियर अहुदेदार आए हैं। असी अज तो बहुत साल पहला पहला गुरबख्श सिंह दी जिन्होंने शहादत दे दी सांझी कमेटी बना के रिहाइया की चोण लड़ी, उस तो बाद चोण सॉरी असी उसकी संघर्ष लड़िया, उस तो बाद जयदार सूर सिंह दा असी सारिया ने इकट्ठे होकर बहुत वड्डी लोक लहर खड़ी की। सरदार मान साहब की एक बड़ी वड्डी शख्सियत सी जिहड़ी साडी कमेटी के उत्ते इन्हां दा हाथ रहा रिहाइया के उत्ते, ते बहुत रिहाइया भी असी करवाइया। सरबत खालसा भी असी सांझे तौर पर किया, इन्हां दी शख्सियत का मूँह नहीं लाया, साड़ियां वड्डियां जित्तां। अज साडा एक यह बुढ़ा जरनैल पंथक गदारां ते पंथ दे पंजाब दे दलियां ते दलालां दे हत्थां च घिरिया है, ते एक बजुर्ग बंदे दी साडा सारयां दा फर्ज बनता है कि असी जे अज उह घिरे है ते असी उहदे जाके हक जहाद दा नारा ही मार के ते इन्हां दा साथ देईए। असी सारियां जथेबंदियां अज गल वोटां दी जां राजनीति दी नहीं, जे एक सीट सरदार मान साहब जित जाते हैं तो गल ना मोदी नूं फर्क पैना है तो ना आप नूं पैना है, पर पंथ लई बहुत वड्डा फर्क पैना है। वो पैना कि साडी आवाज़ अंतरराष्ट्रीय तौर पर बहुत उच्ची चले जाएगी। दूजी गल, जे असी लड़न वाले लोगों का साथ ही कितने ना दिता, पंजाब के लोगों ने एक जिड्डा इम्तिहान सरदार मान साहब ने पास किया सारी जिंदगी, जे उन्हां लोगों के नाल असी खड़ना ही नहीं तो फिर पंजाब के लोग किवें अगे लड़नगे। साडी ये गल मान साहब लई नहीं, साडी अणख का सवाल है। असी तुहाडे राही मेरी बेनती है असी अपनी गल संगरूर दे खास करके लोगों को बचाना चाहते हैं, साडी गल बचाओ। जिहड़ी हमायत वाली गल असी पहले ही कह चुके हैं, साडे यूनाइटेड अकाली दल के प्रधान हुण सरदार बहादुर सिंह राहों आ, मैं उन्होंने बेनती करांगा, सकत्तर जनरल साडे ईश्वर साहब दो दो मिनट वह भी बोलणगे, सरदार सरबजीत सिंह लाल राहों साहब अपने अक्षरा सिंह जी हमीदी। बहुत ही सत्कारयोग सरदार सिमरजीत मान साहब साढ़े कोल बैठे हैं, तो सरदार गुरदीप सिंह जी बठिंडा साढ़े जेडे चेयरमैन साहब हैं, जतेंद्र सिंह जी ईशड़ू साहब साढ़े सकत्तर जनरल, सरदार जसकरन सिंह जी ते होर दर्जा बदर्जा लोक अधिकार लहर के लीडर साहबान, व्यापारक मंडल तो भी जोड़े साढ़े इतने सारे अहुदेदार पहुँचे आ। अज असी सरदार सिमरजीत सिंह मान साहब जिहड़े संगरूर तो इलैक्शन लड़ रहे आ, गल जिहड़ी हैगी आ जिदा सरदार गुरदीप सिंह उन्होंने दस्सिया कि गल एक सीट की नहीं, जितण ते हारन की गल नहीं, गल ये पंथ लई बहुत बड़े माण वाली गल होगी कि अज सारा जिहड़ा अज बहुत बड़ी लहर मान साहब की बन चुकी आ। असी भी यूनाइटेड अकाली दल वालों जिहड़ा अपना सरदार सिमरजीत सिंह मान नूं जिन्हां ने पंथ की लड़ाई लड़दे अज तक इत्थे आए आ इत्थे तक, ते उहदे करके असीं अज सारे इत्थे इकट्ठे होए आ। सो बाकी सारियां गल्लां बातां जिहड़ियां सरदार गुरदीप सिंह उन्होंने दस ही दित्तियां, ते बाकी जिहड़ी दूसरी गल हैगी आ, मैं एक गल जरूर इत्थे कहनी चाहुंदा, जिहड़ी साडी भैण कमलजीत कौर भी इत्थों खड़े हन, उन्हां नूं बादल अकाली दल ने टिकट दित्ती आ, ते बादल अकाली दल ही जिहड़ा जिहड़े जिहड़े अज सिंह असीं कहिंदे बंदी सिंह कह रहे हां कि अंदर है जेलां दे विच,
वो अकाली दल जिहड़े हैगे जिहड़ा बंदी सिंह साढ़े वो उन्होंने ही अंदर कीते हुए आ, उन्होंने कदे भी ये गल नहीं कोई की अज तक। वो इस टाइम भी मौजूदा एम पी आ, बीबी हरसिमरत कौर वह भी एम पी आ। जे एम पी बनने नाल ही बंदी सिंह रिहा होंगे तो उन्होंने रिहा करा लेना चाहिए पहला। ये गल कोई ऐसी गल कोई गल नहीं हैगी। जिहड़ा पंथ नूं बेनती करदे सारियां नूं, जिहड़े वपारक मंडल नूं भी सारियां नूं लोक अधिकार लै रहा, सारे सरदार साहब सिमरजीत सिंह मान साहब नूं असीं अज जिहड़ा हमायत देण वास्ते आए हाँ। डट के इन्हां दी दिन रात एक करके सपोर्ट करांगे ते सच्चे पातशाह दे अगे चरणां च अरदास भी करांगे कि मान साहब जित के ये सीट जिहड़ी पंथ दी झोली विच पाउणगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਲਾ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਹਰਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਕੇ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।